राय ठीक है। अच्छा बोला तुम रूपेश, गौपुरम का संबंध किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से? गौपुरम का मंदिर से है? मंदिर से, मंदिर से है जी। ठीक है अच्छा बताओ सिर्फ क्या वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर, गुरु नानक, या बासवन, या कराईकल? बासवन्ना, बासवन्ना। ठीक है तुम बताओ रिंकू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर? अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर है। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? रुको रिंकू, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? अकबर मोहम्मद। रुको रे, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल को स्टडी में याद तो बताओ क्या हुआ, याद हुआ था कैसे होगा? शाहजी करने क्या? शाहजी, शाहजी क्या था? नहीं शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। बोल दिया सर जी, सबको बता दिया। तो सही हो सर जी। ठीक है, ट्रिक मानो उसको, ट्रिक से याद करो। ठीक है तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजी ने, शाहजहां ने, शाहजी ने। ठीक है, नहीं हम अपने नाम पर भी बहुत सारा ट्रिक निकाल लेते हैं, नाम याद रखने के लिए हो जाता है। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी बदल दिया था रुपेश? राजधानी बदल दिया था? हाँ, दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी बदल दिया था। ऑप्शन है बलवन, मोहम्मद तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या अकबर? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। वही मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, दिल्ली से दौलताबाद के अपने भैया मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। अरे नहीं, गलती हो गया है। का हो गया? दिल्ली के दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था, किसने किया था? रुको रिंकू बोल दो। ये नहीं होगा, इसमें था दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने परिवर्तित अपनी मतलब राजधानी बदल, राजधानी बदल दिया, बदल दिया। किसने बदल दिया था? ऑप्शन चाहिए? बलवन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर? तुगलक होगा इसमें, तुगलक ही होगा। गलती है, क्या होगा? अकबर ने किया था वो, समझ गया? इतना भारी मिस्टेक, इतना भारी मिस्टेक कैसे हो गया? कैसे हो गया, कैसे हो गया? देखिए इसमें अकबर है, क्वेश्चन बैंक है, तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम तो मोहम्मद बिन तुगलक लिखे हैं। कहाँ देखिए, हम देखते हैं, हम लिखे हैं या एकदम करेक्ट ऑप्शन लिखे हैं? निकालिए, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक है सर जी, कैसन बात करते हैं आप? तुम देखो तो इनको क्या लिखे हो, मोहम्मद तुगलक हो हम। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है जी। तुम क्या लिखी हो? तुम उसमें से लिखी, तुम तो घर पे आँख कान तो है नहीं जो किताब पढ़ोगे। दिल्ली से दौलताबाद, इसलिए क्वेश्चन बैंक से हम नहीं लिखने के लिए देते हैं ऑब्जेक्टिव, कि इसमें बहुत सारा क्या है तो गलती है, गलती है। इसमें हमको केवल क्वेश्चन चाहिए, आंसर हमको खुद लाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई रिंकू? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। तुम बोलो रुपेश, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब किया गया? 1905। सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस भैया, दादा लगते हैं। भारत किस वर्ष रिंकू, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? नहीं पढ़ा है सर जी, शायद पढ़ाया है वो, नहीं पढ़ा है। रुको, नहीं पढ़ा है तो बोलेगा ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा कभी, कभी नहीं पढ़ेगा। 1945 से तो देश आजाद हुआ था, दो साल पीछे कर दिया, दिमाग है उड़ गया दिमाग। तुम बोलो, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, और उस दिन भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया था जी सर जी, 26 जनवरी 1950 को, है ना? वैसे फिलहाल 1950 सबका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 होना चाहिए। 1949 में वो चलेगा, एक साल पहले ही कह दिया था, लेकिन एक साल बाद हुआ। अच्छा किस विद्रोह, तुम बताओ किस, बढ़िया से बैठो,
किस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है? किस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के नाम से? हाँ ऑप्शन तो दे दीजिए आप। अच्छा यार सैनिक विद्रोह बताओ, सैनिक विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन दीजिए। 1525, 1526 को अभी सुनिए ना, ऑप्शन अभी दिए ना पूरा। क्या बोले 1915, 1815 या 1826 कब हुआ था? ये 1857 बताइए। इस पे कंफ्यूजन है ऐसा। जी क्वेश्चन कहाँ लिखा है? कल क्वेश्चन ही लिखा है, क्वेश्चन ही ना है कॉलेज। सैनिक विद्रोह के बारे में नहीं बताए हैं। सैनिक विद्रोह के बारे में इसमें सबसे पहले जो है मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति आया था, समझो बात को। मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति आया 1857 है। तो इतना ये इसमें लिखा है ना, ठीक है। तो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में हुआ था, ठीक है। इसमें दिया जाएगा मनीष जा रहे रुक जो ना हम रहा का है अभी है अभी तो इतिहास नहीं हुआ लिखिए। तो ये मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने क्या किया? तो सैनिक जो आता था कारतूस समझते हैं? कारतूस नहीं, बंदूक की गोलियां। जी जी कारतूस है। तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलावट वाले होने का शंका हुआ था, ठीक है, जिसके कारण उसको काटने से मना कर दिया। अंग्रेज का दबाव था कि इसको मुंह से काटना ही पड़ेगा। हिंदू बेचारे ये मानते थे कि मुंह से काटेंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए मंगल पांडे ने उसको दांत से काटने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और इस मना के कारण अंग्रेज ऊपर से फायर हो गया। तो ये लोग भी फायर हो गया, युद्ध कर दिया वहां पर। हाँ फायर हो गया। तो वहां पर सब ने क्या किया? तो मिलकर के वहां के अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। तो वो पहला युद्ध था जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था 1857 में। सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है पूछेगा तो सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना। आगे को क्वेश्चन है, बताओ तुम, बताओ रिंकू, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? किसने आरंभ करवाया? बोलो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने आरंभ करवाया? रुपेश, महात्मा गांधी जी ने। किसने याद किया? महात्मा गांधी। नहीं बाबू, कैसे होगा? तुम बोलो तो क्या कहते हैं? शिव कुमार जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कब हुआ? 1857 में। वो तो सैनिक विद्रोह था। हाँ। वो हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। अपनी लिखा है इसीलिए। अपनी लिखा है। दी क्लास में एंट्री होने से पहले पूछे थे ना। अच्छा। ये हुआ था आपको 12 मार्च 1930 को लागू हुआ था ना। एक क्वेश्चन जो कर लिखा है। एक क्वेश्चन बताइए ना, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया? तो शासन करने के लिए। ये भगवान, शासन नहीं बाबा, तो लूटने के लिए। आयात में वृद्धि के लिए। लिखिए आंसर, आयात में वृद्धि के लिए। लिखो उत्तर, लिखो कल वाला क्वेश्चन का आंसर। आयात में वृद्धि के लिए किया गया था, समझे ना। चलिए घड़ी में समय 11:15 बज रहा है ना। चलिए तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, 2011 को दे दीजिए। अच्छा बताओ तो 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण मतलब 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? उसमें नहीं है, इसमें नहीं है। खोजना पड़ेगा, एक मिनट खोज के बता देते हैं। एक मिनट, एक झलक दिखना चाहिए ना मनीष, उसको 2 मिनट रुकिए तो।